हे गाइस, ये जो पीसी है ना, इस पीसी में जो मदरबोर्ड है ना, ओनली मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड का प्राइस है 30,000 रुपये। तो मतलब एक बजट गेमर का पीसी बन जाता है 30,000 में, जितने की मदरबोर्ड है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव कह लो, हमारे लिए तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट 1,00,000 रुपये से ऊपर मैं मानता हूँ इंडिया के लिहाज से काफ़ी हैवी पीसी होता है। तो 1,13,000 रुपये का पीसी आज हमने यहाँ पर बिल्ड करा है, एंड बहुत ही ज़बरदस्त पीसी यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ही अच्छे रेट दिए, आप ज़रूर कंपेयर करना हमारे रेट। एंड ये पीसी कैश ऑन डिलीवरी पे जा रहा है, बहुत अच्छी बात हो जाती है अगर, क्योंकि पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है 1,00,000 रुपये का पीसी, वो भी प्रीपेड पे ख़रीदना। हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी मिल जाते हैं 1,00,000 या 1,00,000 से ऊपर जैसे पीसी पर भी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाले, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वापस आते अपने वीडियो पर, एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से हमने कंपोनेंट यूज़ करें एंड क्या प्राइसेस उनका रहने वाला है। अगेन, इस वीडियो का मेन मोटिव ये रहता है कि आप रेट कंपेयर करो बाकी जगहों से, एमडी कंप्यूटर, प्राइम एवीजी, मोडेक्स, अब तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अमेजोन से तो काफ़ी सस्ते देते हैं, बट हम बाकी वेबसाइट से भी सस्ते रहते हैं हमारे प्राइजेस। एंड इसके अलावा पीसी हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया शिप होते हैं, चाहे आप पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, आसाम हो, इन सभी जगहों पर हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। चाहे आपका पीसी 30,000 का हो या 3,00,000 का हो, कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि गाँव जैसी जगहों में पेरेंट्स नहीं मानते, क्योंकि 1,00,000 रुपये, देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर भी बहुत बड़ा अमाउंट है 1,00,000 रुपये। तो गाँव में तो जिनकी इनकम ही 10-12,000 या 15,000 है, तो उनके लिए तो 1,00,000 रुपये मतलब पूरी साल की कमाई। तो उस लिहाज से हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी थोड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है बाकी सभी लोगों के लिए। बाकी प्राइजेज हमारे पास काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मेन हाईलाइट चीज़ जो कि रहने वाला है हमारे प्रोसेसर। तो प्रोसेसर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत हैवी प्रोसेसर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन वाला, और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं i7 13700K। प्राइस नॉर्मली इसका अमेजोन पर 38-39 मतलब 38-39 के आसपास मिलता है, बट हमारे पास इसका प्राइस है मात्र 35,000 रुपीज़ i7 13700K का। एंड इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड हम यहाँ पर काफ़ी हैवी, अच्छा ये जो कंपोनेंट है हम सिलेक्ट नहीं करते, कस्टमर की चॉइस होती है, तो कस्टमर ने यहाँ पर सिलेक्ट करी है मदरबोर्ड गीगाबाइट की ऑरस Z790 इलाइट AX। AX का मतलब वाईफाई ब्लूटूथ, आपको इनबिल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले, एंड 27,850 रुपये की मदरबोर्ड होने वाली है। तो जो कि आप देख सकते हो, इतने का एक बजट गेमर के लिए पूरा पीसी कंप्लीट हो जाता है जितने के मदरबोर्ड कस्टमर ने लिया है। हालांकि मदरबोर्ड काफ़ी हैवी है, जो कि आप देख ही सकते हो वीडियो में, प्रॉपर इसके अंदर हीट सिंक मिलती है, काफ़ी हैवी मदरबोर्ड है, फुल एटेक्स मदरबोर्ड है, वाईफाई ब्लूटूथ इन बिल्ट मिलते हैं। एंड गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये जो मदरबोर्ड है ना 13th Gen को सपोर्ट करता है, i7 जो कि 13th Gen का है, बहुत अच्छे से चलेगा। इसके अलावा बता दूँ, ये DDR5 वाला मदरबोर्ड है, DDR4 की रैम नहीं लगेगी, DDR5 की रैम लगेगी। रैम के सिनेरियो में बात कर रहे थे तो रैम पर ही आते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं XPG की A-Data XPG, 16GB रैम होने वाली जो कि लेंसर सीरीज़ की है, एंड ये DDR5 है 5200 MHz, एंड इसके अंदर अप टू आप 6000 MHz तक आप सपोर्ट करते हैं इसमें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज, तो स्टोरेज हम यहाँ पर दो यूज़ कर रहे हैं, एक हमारी प्राइमरी एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में अगर बात करें तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं A-Data XPG 512GB M.2 NVMe 2550 की होने वाली है, एंड सेकेंडरी हमारी 1TB हार्ड ड्राइव जो कि सी ग्रेड की रहने वाली है 7200 रुपये में, एंड इसका प्राइस है 2900 रुपये। एंड ये जो हार्ड ड्राइव है गेम से फुल भर के मिलने वाली है, गेम्स होते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर जैसे, और क्राइसिस, और इसमें GTA 5, PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, फार क्राय, ऐसे गेम इसके अंदर होते हैं जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मतलब एक गेमिंग पीसी के साथ अगर आपको गेम फ्री मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाती है। चलिए इसके बाद अगर बात कीजिए यहाँ पर कूलर में, तो कूलर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डीपकूल का AG400 वाइट ARGB रहता है, इसकी प्राइस है 3,250 रुपये। इसके बाद अगर बात कीजिए यहाँ पर ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर यूज़ करा है जो टेक का RTX 3060 Ti 12GB का ही होने वाला है, 3060 Ti नहीं
ओनली 3060 12 GB का होने वाला है। इसमें दो वेरियंट आते हैं 8 GB 12 GB, तो ये वाला हमने 12 GB का यूज़ करा है एंड 5 ईयर वारंटी के साथ आता है जियोटेक का। एंड इसकी प्राइस की अगर बात की जाए 24,500 रुपये, जो कि बहुत ही कम रेट है अगर आप बाकी जगह कंपेयर करते हो। एंड ब्रांड न्यू सील पैक ग्राफिक कार्ड रहने वाला है, आप सिंगल पीस भी ले सकते हो अगर आपको रेट अच्छा लगता है। बाकी इसके बाद बात की जाए यहाँ पर पावर सप्लाई, तो गीगाबाइट P650W होने वाली है एंड इसका प्राइस है 4,250 रुपये। 80+ ब्रोन सर्टिफाइड ये पावर सप्लाई आती है, तो मुझे लगता है कि इस पीसी के लिए मोर देन इनफ है। एंड फ्यूचर में अगर कुछ अपग्रेड भी करते हैं तो ये पावर सप्लाई बड़े इजीली हैंडल कर लेंगे। सारे कंपोनेंट हमने कवर कर लिए, बस एक लास्ट चीज़ रह जाती है कैबिनेट। तो कैबिनेट में आपको बता दूँ, कैबिनेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एंड इस बोर्ड का 690 एयर वाइट रहने वाला है। फ्रंट के साइड 3 फैन मिलते हैं जो कि ARGB है, जिनका आप कलर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज या चेंज कर सकते हो। एंड बहुत ही ज़बरदस्त कैबिनेट है। फ्यूचर में अगर कोई लिक्विड कूलर भी ऐड करना चाहो 360ml, तो वो भी बड़े आराम से आप ऐड कर सकते हो। काफ़ी अच्छे इसमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एंड केबल मैनेजमेंट या फिर कोई भी कॉम्पोनेंट लगाना हो उसके लिए काफ़ी जगह मिलती है। बाकी केबल मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो केबल मैनेजमेंट आप देख सकते हो हमारी टीम ने कैसे करी है, कमेंट में जरूर बताना। मतलब कुछ ऐसा है कि हमें केबल मैनेजमेंट में सुधार करना चाहिए, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस या फिर आप अपनी राय जरूर देना कमेंट में। पीसी ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सारे कंपोनेंट हम कस्टमर को शिप करेंगे, अच्छे से बबल रैप करेंगे। एंड जब तक पीसी कस्टमर के घर सही सलामत नहीं पहुँच जाता, तब तक इस टेक पीसी 7 या फिर हमारी जिम्मेदारी रहती है। जब तक आपके पास पीसी सही सलामत नहीं पहुंच जाता, पीसी पहुंचने के बाद भी अगर आप अपने पीसी संतुष्ट नहीं हो या फिर कोई कंपोनेंट उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है जो करना चाहिए, तो 7 डेज़ का रिप्लेसमेंट टाइम होता है, आप रिटर्न कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे, 7 डेज़ तक का आपको पूरा रिटर्न का टाइम मिलता है। अगेन वारंटी पूरी 3 साल है पूरे पीसी पर। कुछ भी खराब होता है तो उसमें हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, आपके घर से पिक होगा, चेंज करके न्यू कंपोनेंट मिलेगा, अगर उसकी वारंटी 3 साल तक अगर है। मतलब एक आध कंपोनेंट में 3 साल से ऊपर भी रहती है। एंड इसके बाद अगर बात की जाए भाई, और तो कुछ रह नहीं गया, इसको चलो इस पीसी को पैक करते हैं एंड निकालते हैं। बाकी वीडियो आप कैसे लगे तो जरूर बताना। बाकी मैं बिल्कुल वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद। एंड हाँ, हमारे पास प्राइस भी काफ़ी अच्छे होते हैं और पूरा पीसी कैश ऑन डिलीवरी के साथ मिलता है। तो अगर आपको भी ऐसा पीसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी सेल्स टीम का नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।